हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या है। हमने इसकी स्टार्टिंग देख ली थी। तो इसमें हमने क्या देखा था कि बिहेवियरलिज्म में पॉलिटिकल साइंस को एक ट्रू साइंस बनाने के चक्कर में उसके रेलेवेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। ऐसे शोध, डेविड ईस्टर्न ने कहा कि ऐसे शोध का क्या मतलब है जो प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है। यानी आप कोई भी शोध कर रहे हो उसको एटलीस्ट प्रासंगिक यानी रेलेवेंट तो होना चाहिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के काबिल तो होना चाहिए। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में दो नारे दिए गए, एक तो कर्म, दूसरा प्रासंगिकता यानी एक्शन एंड रेलेवेंस। इन्होंने क्या कहा कि जो भी तत्कालिक समस्याएं हैं तो समाज वैज्ञानिकों का काम है उन समस्याओं, उन संकटों, उन चुनौतियों का अध्ययन करना और उनका सॉल्यूशन ढूंढना। यानी आपका कोई भी काम है उसको आपको रेलेवेंट बनाना है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके चक्कर में आपको अपना शोध यूज़फुल बनाना है। ये नहीं है कि आपका शोध बस पड़ा है, कोई यूज़ नहीं है उसका, आप सिर्फ नॉलेज बिल्डअप कर रहे हो, ज्ञान आप ले रहे हो लेकिन आप उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि पहला नारा ये था कि आपको अपना शोध रेलेवेंट बनाना है सामाजिक चुनौतियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। सेकेंड इनका नारा था कर्म। कर्म मतलब मानव मूल्यों की रक्षा के लिए आपको कर्म करने की ओर आगे बढ़ना है, आपको कर्म करने हैं, आपको समाज और राजव्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आगे आना है, आपको आगे आने के लिए आह्वान करता है। समझ में आ गया। तो उत्तर व्यवहारवाद में क्या था कि व्यवहारवाद का एक क्रिटिसिज्म था, ये व्यवहारवाद का अपोजिट नहीं था, ना ही ये ट्रेडिशनलिज्म की ओर वापस जाना था। क्योंकि ट्रेडिशनलिज्म में क्या होता था कि बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था वो, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की स्टडी की जाती थी, वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में आप ये देखेंगे कि इसको परंपरावाद की ओर लेकर जाना नहीं था, इसका सिर्फ ये था कि जो बिहेवियरलिज्म में जो कमियाँ रह गई हैं उनको दूर करना, उसके विकास का अगला चरण हम व्यवहार उत्तर व्यवहारवाद को कह सकते हैं। तो व्यवहारवाद में जो भी कमियां थी उसके विरोध एक प्रतिक्रिया थी, ना कि ये परंपरावाद की ओर वापस जाना। आगे बात समझ में। तो इसलिए इसमें क्या था, दो नारे दिए गए थे, कर्म और प्रासंगिकता। ठीक है, तो ये था उत्तर व्यवहारवाद का मतलब। इसके उदय के कारण क्या थे, पहला जो मैं बता चुकी हूँ कि व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। ये मतलब कि जो व्यवहारवादी प्रयास थे जिसमें एक पॉलिटिकल साइंस को वैज्ञानिक रूप देने के प्रयास किए गए, इसको ये अपर्याप्त अनुभव करने लगे कि इसमें पॉलिटिकल साइंस का रेलेवेंस है वो नहीं दिख रहा है। सेकंड थिंग, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल भी वैल्यू फ्री करने पे जोर दिया था। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि हम पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल वैल्यू फ्री नहीं रख सकते हैं, हमें वैल्यूज़ भी देखनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम एरियाज ऐसे होते हैं जो फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, तो उसका स्कोप था वो बहुत कम हो गया था, जो एरिया ऑफ स्टडी था वो बहुत नैरो हो गया था। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हम पॉलिटिकल साइंस को एकदम वैल्यू फ्री नहीं रख सकते, हमें वैल्यूज़ को भी ऐड करना पड़ेगा। अब सेकेंड थिंग, इन्होंने क्या देखा था कि व्यवहारवाद में मानव के स्वभाव में रेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, उनको हम वैज्ञानिक रूप में सिद्धांतों के रूप में विकसित कर सकते हैं। अब उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि मानव का व्यवहार है बिल्कुल साइंस, ऐसे नहीं कह सकते कि मानव का व्यवहार बिल्कुल एक समान है, नहीं। इन्होंने अब माना कि मानव और समाज की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उसका अध्ययन जो हम नेचुरल साइंस हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान है, उसकी तरह संभव नहीं है। यानी आप पूरी तरह उसको इस सिद्धांतों के रूप में नहीं पिरो सकते, मानव का स्वभाव है वो परिवर्तनशील है, समाज का स्वभाव है वो परिवर्तनशील है, इसलिए प्राकृतिक विज्ञान को पूरी तरह इन पे थोपना या लागू करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अब तीन चीज़ें मैंने बता दी हैं कि इसके उदय के क्या कारण थे। पहला, सबसे फॉरमोस्ट क्या है कि व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि व्यवहारवाद में पॉलिटिकल साइंस को बहुत नैरो कर दिया था, उसमें पॉलिटिकल साइंस को ट्रू साइंस बनाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, उसके विरुद्ध ये अब अपर्याप्त महसूस करने लगे थे उस नॉलेज को, क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं दिख रहा था। सेकंड, इन्होंने क्या कहा कि मानव का स्वभाव है वो परिवर्तनशील है, उस पर हम प्राकृतिक विज्ञान की तरह जो हम बात करते हैं ना फैक्ट्स, वो बिल्कुल भी लागू नहीं कर सकते। हाँ, कुछ समानताएं होती हैं, उनको हम सिद्धांतों के रूप में पिरो सकते हैं, लेकिन एकदम कठोर वैज्ञानिक पद्धति लागू करना संभव नहीं है।
थर्ड थिंग इन्होंने क्या कहा कि वैल्यू न्यूट्रल हम पॉलिटिकल साइंस को नहीं रख सकते, पॉलिटिकल साइंस में वैल्यूज़ का यूज़ होता है, तथ्य और मूल्य इनको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, इन दोनों का समावेश ही व्यक्ति के संदर्भ में सही रहेगा, इन दोनों का समावेश करके ही हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपना जजमेंट देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लास्ट थिंग थी कि व्यवहारवादी क्रांति के टाइम मैंने बताया था कि काफ़ी वर्ल्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे आणविक युद्ध का भय, काले और गोरों का भेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में घोषित युद्ध, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो इन सब का कोई सोल्यूशन नहीं था इनके पास, ये इससे अनजान होकर अपना नॉलेज बिल्डअप कर रहे थे। तो उत्तर व्यवहारवादियों को इससे भी वो असंतुष्ट हुए कि ऐसे ज्ञान का क्या काम है। तो ये थे मेनली उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण, यानी व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, वैल्यू न्यूट्रल नहीं रखना, मानव का स्वभाव परिवर्तनशील है उसी के अनुसार हमें स्टडी करनी है, वैल्यूज़ का भी समावेश हमें करना है, मूल्यों का भी समावेश करना है, और जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। इसलिए हमें पॉलिटिकल साइंस को रेलेवेंट भी बनाना पड़ेगा और एक्शन भी लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ये था उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण। तो इसमें हमने क्या देखा कि पोस्ट, मतलब इसका क्रक्स क्या है कि पोस्ट बिहेवियरलिस्ट सेड दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग ए ट्रू साइंस इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट इट शुड बी रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल। मतलब इंस्टेड ऑफ वी फोकस टू मेक पॉलिटिकल साइंस ए ट्रू साइंस वी शुड फोकस ऑन इट्स रेलेवेंस एंड इट शुड बी मीनिंगफुल। हमने स्टडी कर ली, वो मीनिंगफुल नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, मीनिंग लेस है वो, तो वो खराब, वो ज्ञान खराब है, उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। इसका मतलब ये है कि द स्टडी शुड बी रेलेवेंट, रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, और ऐसा तभी होगा जब पॉलिटिकल साइंस का फोकस सोसाइटी में मौजूद सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी। जो स्टडीज़ और रिसर्च होगी वो सोसाइटी में मौजूद प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए होगी, उस नॉलेज को डेवलप करने के लिए होगी जिसको यूज़ करके हम सोसाइटी के सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझ सकें, ना कि सिर्फ हमें नॉलेज बिल्डअप करना है। बिहेवियरलिज्म में सारा फोकस पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने में था, साइंटिफिक मेथड लगाने में, टेक्निक्स लगाने में, इन्हीं पे उनका सारा फोकस था कि हाउ वी कैन अप्लाई साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स इन पॉलिटिकल साइंस। दे वर नॉट फोकस्ड ऑन हाउ वी शुड मेक पॉलिटिकल साइंस ए रेलेवेंट साइंस, ए मीनिंगफुल साइंस, हाउ वी कैन अप्लाई पॉलिटिकल साइंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जैसे पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने कहा कि बिहेवियरलिज्म ने एक्सेसिव रेलेवेंस दिया साइंटिफिक मेथड पे एट द एक्सपेंस ऑफ रेलेवेंस, यानी प्रासंगिकता की कसौटी पर उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को चुना, जबकि प्रासंगिकता इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यानी रेलेवेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप जब तक सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का, तब तक आपका ज्ञान अधूरा है। फिर पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट सीक टू मॉडल इटसेल्फ ऑन द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज्ड इन नेचुरल साइंसेज। वही मैंने बात जो बताई थी कि नेचुरल साइंस में जो हम स्ट्रिक्टली साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं वो हम यहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंसेज। ओके, पॉलिटिकल साइंस शुड बी मीनिंगफुल एंड इट शुड एड्रेस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या था? रेलेवेंस। उन्होंने रेलेवेंस खो दिया था पॉलिटिकल साइंस का, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने के चक्कर में वो रेलेवेंस खो चुके थे। और सेकंड क्रिटिसिज्म क्या था? उन्होंने कहा था कि बिहेवियरलिज्म ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस शुड बी वैल्यू न्यूट्रल, इट शुड बी वैल्यू फ्री। पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने कहा इट शुड नॉट बी वैल्यू न्यूट्रल, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को हम वैल्यू फ्री नहीं बना सकते। वैल्यू फ्री का मतलब क्या है कि जो आपके आसपास पॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में उस टाइम काले घोरे का भेद चल रहा था, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आणविक युद्ध का भय हो रहा था, तो वैल्यू फ्री करने का क्या मतलब है? जो ये सब इश्यूज़ है ना, इन पे आपको कोई जजमेंट नहीं देना, मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत, इस पे क्या होना चाहिए आपको नहीं बताना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि क्या हो रहा है आपको उसको डिस्क्राइब करना है, आपको ये नहीं बताना कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है। यानी आपको चीज़ों को सिर्फ डिस्क्राइब करना है, उनको ऑब्जर्व करना है और उन पर स्टडी करनी है। ठीक है, अब इन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने क्या कहा कि बिहेवियरलिज्म में, मतलब व्यवहारवाद में, ये सब हो रहा था, वैल्यू फ्री बना दिया था उन्होंने। तो पॉलिटिकल, जबकि इन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिस्ट यानी उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस का काम क्या है? सोसाइटी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करना, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो पहलू हैं हमारी सोसाइटी के उनकी स्टडी करना। यानी पॉलिटिकल साइंस का काम है सोसाइटी में जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं आपको उसको पढ़ना है, तो आप उन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू फ्री बना देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं,
हम स्टेटस को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी यथास्थिति का हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो रहा है हमने ये नहीं बताया कि इससे आगे क्या होना चाहिए, इसका विकास कैसे होना चाहिए, ये जो चीज़ हो रही गलत हो रही है, इसका सही एस्पेक्ट क्या है, ऐसा कोई काम नहीं है ना हमारा। हमारा सिर्फ काम क्या है, बिहेवियरलिज्म ने क्या कहा, व्यवहारवादियों ने, कि हमारा काम है उसको डिस्क्राइब करना, उनको उन पर अपनी थ्योरी बिल्डअप करना।